वेलकम गाइज माई यूट्यूब चैनल पेन वर्ड्स। गाइज आज है मेरे पास यूनो मैक्स की तरफ से रिसेंटली कुछ पेन लॉन्च हुए हैं जो इन्हें मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। पेन का नाम है ग्राइज यूनो मैक्स ब्रायो फाउंटेन पेन। जैसे गाइज मैं बॉक्स अनबॉक्स करता हूँ आप देख सकते हैं मुझे ब्लिस्टर पैक में पेन शो होता है जिसका नाम है ब्रायो। पैकिंग पे लिखा हुआ है मेटल डिजाइनर क्लिप, फ्री इंक कन्वर्टर एंड फ्री 3 इंक कार्ट्रिजेस। पेन की प्राइस की बात करें गाइस तो 100 रुपीज़ हमें इसकी MRP देखने के लिए मिल जाती है। पेन काफ़ी कूल कलर्स में है जो पेस्टल कलर हैं। ये 4 कलर्स में आता है पर मेरे पास अभी 3 हैं। और इसी के साथ गाइस यूनो मैक्स की तरफ से कुछ और पेन आए हैं जो है मेटेलिक शेड में, इनका नाम है आइकॉन। सेम ब्लिस्टर पैकिंग के साथ है, सेम मेटल क्लिप के साथ है, विथ फ्री इंक कन्वर्टर एंड विथ 3 इंक कार्ट्रिजेस। गाइस इसके प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस भी हमें 100 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाता है। MRP 100 रुपीज़ होती है। ये भी ब्लिस्टर पैक के साथ आता है। इसमें जो बॉडी कलर्स दिए हुए हैं वो मेटैलिक दिए हुए हैं। इसमें हमें 3 कलर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, मेटैलिक ग्रे, मेटैलिक सिल्वर एंड मेटैलिक ब्लू। मेरे पास अभी मेटैलिक सिल्वर एंड मेटैलिक ग्रे है। जैसे मैं पेन बाहर करता हूँ आप देख सकते हैं हमें मेटैलिक बॉडी देखने के लिए मिल जाती है फाउंटेन टिप के साथ। साथ ही हमें इसमें ट्रायंगुलर ग्रिप देखने के लिए मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दी हुई है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील कराएगी पेन होल्ड करने में। पेन की क्लिप पे एक शाइनिंग स्टील क्लिप दी हुई है जो पेन को काफ़ी बेटर लुक देती है। एंड जो इंक कन्वर्टर है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक दिया हुआ है जो आपके बिल्ड क्वालिटी के साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बाकी 3 इंक कार्ट्रिज दी हुई है। दोनों ही पेन की इंक कार्ट्रिज में बात यह है कि ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, चाहे आप इसमें फ्लेयर की डाल सकते हैं या यूनो मैक्स की। बात कर लेते हैं यूनो मैक्स ब्रायो की। इसमें ये 3 कलर्स हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रहे हैं 3 कलर्स। तीनों कलर्स में हमें पेस्टल ग्रीन देखने के लिए मिलता है फर्स्ट, सेकेंड हमें वाइट मिलता है, थर्ड पेस्टल ब्लू एंड फिर पेस्टल पिंक होता है जो अभी हम मेरे पास नहीं है। पेन की बॉडी की बात करें तो स्ट्रेट थिक बॉडी दी हुई है जिस पर यूनो मैक्स की ब्रांडिंग हुई हुई है। पेन की बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा थिकनेस दी हुई है। ईजिली ट्विस्टेबल ओपन एंड क्लोज पेन है। पेन बिल्कुल स्ट्रेट एंड थिक बोल्ड के साथ आता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। पेन के जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये कलर्स आपको बहुत कमी देखने के लिए मिलते हैं किसी ब्रांडेड पेन में। ये इस तरीके के डिज़ाइन या इस तरह के कलर आपको चाइनीज़ पेन जो आते हैं या कोरियन पेन जो आते हैं जापानीज़ पेन उनमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी मैं तीनों पेन आपको गाइस शो कर देता हूँ। ये देखिए गाइस तीनों पेन मेरे पास आप देख सकते हैं, ग्रे कलर की ग्रिप दी हुई है। तीनों बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट लुक दी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक प्रोफेशनली लुक प्रोवाइड कराएगी एक फाउंटेन पेन में, तो काफ़ी एक यूनिक डिज़ाइन के साथ आए हैं। इनकी जो ग्रिप सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैं आपको इसमें इंक फिल करके दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस इजीली इंक कार्ट्रिज इसमें इंसर्ट हो जाती है और कुछ ही सेकंड में इंक नीचे फाउंटेन टिप तक फ्लो हो जाती है। इसके बाद गाइस हम इसमें पेन का क्लिप रखते हैं और हम राइटिंग परफॉर्मेंस आपको करके देखते हैं। जैसे हम पेन की इंक कार्ट्रिज डालते हैं तो कुछ सेकंड में इंक नीचे आ जाती है, फिर हम लिखना शुरू कर सकते हैं। देखिए गाइस जैसे मैं पेन को होल्ड करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हमें ग्रिप मिल जाती है, जो एक रबराइज ग्रिप है जो फाउंटेन पेन में कम देखने के लिए मिल जाती है। ये इसमें प्लस पॉइंट है। मैं लिख लेता हूँ यूनो मैक्स ब्रायो फाउंटेन पेन। ये देखिए गाइस कंटिन्यूसली राइटिंग दे रहा है, इंक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है, डार्क इंक है जो आपको फाउंटेन पेन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइटिंग परफॉर्मेंस देगा ही देगा। एक साथ गाइस प्राइस हम लिख लेते हैं 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन में पेन मिल जाता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल जाता है गाइस। साथ ही में काफ़ी ज़्यादा कूल वाइब्रेंट कलर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो सभी पेस्टल शेड्स में है। एक साथ गाइस जो इसकी टिप की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप बिल्कुल स्ट्रेट लिखते हैं तो हमें 0.7 जैसे राइटिंग प्रोवाइड करा देता है। साथ में अगर बैक साइड लिखते हैं तो ये फिर हमें 0.5 की राइटिंग प्रोवाइड करा देता है। अगर हम बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिशन साइड में लिखेंगे तो ये हमें और थिन राइटिंग प्रोवाइड कराएगा। कंटिन्यूस राइटिंग देता है, आप इसे सिग्नेचर भी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस लेना चाहें पेन की। कंटिन्यूसली राइटिंग दे रहा है, कोई क्लिच नहीं कर रहा, कोई इंक का ब्रेक नहीं दे रहा, तो इसे आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं पेन को। रेगुलर यूज़, नोट्स यूज़ या पॉकेट यूज़ कर सकते हैं पेन का। साथ ही में हम वाटरप्रूफ फ्लैश कर लेते हैं। वैसे फाउंटेन टिप है तो वाटरप्रूफ तो नहीं होने वाला, आप देखिए जैसे हमने ब्रश से पानी इंसर्ट किया तो पेन वाटरप्रूफ नहीं है। बाकी गाइस 100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा पेन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तो एक बार जरूर यूज़ करें। थैंक यू गाइस।